हैदर भाई अमर रहे, हैदर भाई अमर रहे। हर समय खड़े रहना, दिन रात की परवाह नहीं। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, कोई भी जरूरत होगी तो बताइए। ठीक है, हम जाते हैं, बात करते हैं। देखिए, ये बात तो खैर हकीकत है कि देश में महंगाई बढ़ी है, और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ में है। हर चीज़, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब आपकी बढ़ती है तो महंगाई दर अपने आप ही बढ़ने लगती है। तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार के सामने आज की तारीख में एक बड़ी चुनौती है। उनके मेरा मानना है, ईमानदारी से कानून आप बनाएं, पर कानून बनाने से ही हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इससे पहले भी इतिहास गवाह है, कई ऐसे कानून बने हैं पर वो धरातल तक इसीलिए नहीं उतर पाई, उनका एग्जीक्यूशन इसीलिए नहीं ढंग से हो पाया। क्यों? क्योंकि उसको लेकर जागरूकता नहीं है लोगों में। जब तक भारतीय मानस के दिमाग में इसको लेकर जागरूकता नहीं आएगी, इसके एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। शराबबंदी कानून हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया, सख्त कानून बनाया, पर क्या वो एग्जीक्यूट हो पाया? आज की भी तारीख में उस कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्यों? क्योंकि जनता की राय उसमें नहीं ली गई, उनका सुझाव नहीं लिए गए, उनको सहमति में लेकर इस कानून को नहीं बनाया गया। उसी तक मैं ज़रूर इस बात का पक्षधर हूँ कि इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए, इस बात को लेकर अवेयरनेस बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, और कानून कोई भी बनाने से पहले जनता की राय ज़रूर लेने की ज़रूरत है। बहरहाल, जब ये टेबल पर जब ये कानून आएगा तो उस वक्त औपचारिक तौर पर भी लोक जनशक्ति पार्टी अपने तमाम सुझाव इस कानून से संबंधित सरकार के समक्ष रखेगी। ये कानून